नैना ने अपने इस आइटम नंबर से लाखों का दिल जीत लिया है। और आजकल हर दूसरे दिन खबर आ रही है कि सनी को कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में साइन करना चाहते हैं। और ऐसी ही एक खबर आई थी कि फिल्म वेलकम बैक में डायरेक्टर अनीस बाजमी ने सनी लियोनी को एक रोल ऑफर किया है और वो आजकल सनी की हां का इंतजार कर रहे हैं। जूम ने भी सनी से इस फिल्म को लेकर एक सवाल शूट आउट एट वडाला के प्रमोशंस के दौरान पूछा था। They want me to be in the movie. I'm available. Ragini, you never know what might happen in life. They might see this and go, "Yes, we need her. We want her." Absolutely. So you should be watching Welcome to producer should be watching Zoom right now, yeah? Well, सनी के इस रिएक्शन को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म करने को तैयार हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में खबर आई है कि सनी को वेलकम बैक के प्रोड्यूसर्स ने अच्छी रेम्यूनरेशन ऑफर नहीं की और सनी ने इसलिए फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया। और इस पर अब फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी का बयान आया है। अनीस का कहना है कि सनी उनकी फिल्म का नाम लेकर पब्लिसिटी पाना चाहती है। अनीस का ये भी कहना है कि सनी ने खुद इस फिल्म के लिए उन्हें अप्रोच किया था लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी ऑफर सनी को नहीं दिया है। ऐसे में फिल्म छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अनीस को ऐसा लग रहा है कि वेलकम बैक में रोल ना ऑफर किए जाने के बाद पब्लिसिटी के लिए सनी मीडिया में ऐसी खबरें पब्लिश करवा रही है। वेल, अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये तो सनी और अनीस ही बेहतर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर से फिल्म वेलकम बैक और सनी लियोनी दोनों ही सुर्खियों में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।